jagat sarvam <smart noise> नामवर जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी है पिछली बार कुछ मित्र थे हमारे साथ इस बार कुछ और मित्र जुड़े हैं मदन कश्यप हमारे साथ पिछली बार भी थे इस बार हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय है, काव्य दृश्य के एक अत्यंत अग्रणी और प्रतिष्ठित हस्ताक्षर और नामवर जी के बहुत पुराने मित्र केदारनाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्रतिष्ठित और चर्चित आलोचक प्रोफेसर निर्मला जैन और हिंदी के अग्रणी कवियों में से एक श्री मंगलेश डबराल ये बातचीत जो नामवर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का एक कृतज्ञ स्मरण और कृतज्ञ परीक्षण है और जिसमें स्वयं नामवर जी भी हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि के आज केदार जी इस बातचीत को शुरू करें नामवर जी के साथ बनारस के दिनों की कुछ याद करते हुए और उन दिनों को एक व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मैं निवेदन करूँगा कवि केदारनाथ सिंह से कि वो बातचीत का आरंभ करें गुरु और नावर जी मैं इसलिए को कर रहा हूँ कि मैं शिष्य भी रहा हूँ नाहवर जी का ये बात छूट थी जी तो मुझे तो उदय प्रताप कॉलेज के साथ नामवर सिंह का स्मरण जुड़ा हुआ लगता है पहली बार मैंने उनको वहीं देखा था सुना भी था बल्कि सुना पहले था देखा ठीक से बाद में और वो अगर मैं भूलता नहीं तो तान के सोता रहा जल चादर वायुसा खींच जगा गया कोई ये सवैया उन दिनों बहुत लोकप्रिय था पूरे माहौल में और हर किसी की स्मृति में था शायद ये आज बात बात थोड़ी लोगों की समझ में ना आए नाम बहुत अच्छा गा के पढ़ते थे उसके बाद वो कंठस्वर सुनने को ब, मिला नहीं और कुछ और कविताएं जो दिनों मैगज़ीन में छपा करती थी वो मेरे स्मरण में यानी नामवर जी को कवि रूप में पहले उस कॉलेज ने जाना था उनका आलोचक रूप बाद का विकास है और बड़ा विकास हम सब जानते हैं मैं ये जानना चाहूँगी कि उदय प्रताप कॉलेज ने नामवर जी को क्या दिया इस पर थोड़ा अगर विस्तार से बात करें तो अच्छा हुआ हाँ उदय प्रताप कॉलेज एक तरह से मेरी पहली पाठशाला है साहित्यिक पाठशाला शिक्षा की तो थी ही और उस कॉलेज में साहित्यिक परंपरा के प्रमाण यह है कि शम्भुनाथ सिंह हम लोगों से बहुत पहले रह चुके थे सागर सिंह थे तो दो कवि जो काशी में जाने जाते थे और काशी के बाहर भी शम्भू जी और वहाँ कवि सम्मेलन तो होते ही थे वहाँ त्रिलोचन जी अक्सर आते थे त्रिलोचन तो जी ने काव्य पाठ किया था हमारे आठवें छात्रावास में मुझे याद है साहित्य साहित्यिक लोग आते थे मसलन आम तौर से कहानी प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने और पुरस्कार देने के लिए प्रेमचंद आ चुके हैं वहाँ प्रसाद जी भी आए थे सुन, ऐसा सुना था जयशंकर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल हाँ और आचार्य शुक्ल आ चुके थे जयशंकर प्रसाद आए थे वहाँ इसलिए कि उस कॉलेज में साहित्यिक संस्कार वाले लोग थे बारकंडे सिंह जी हिंदी के अध्यापक थे और केवल उनकी सीमा विद्यालय तक ही नहीं थी और स्वयं प्रिंसिपल जो जेपी सिंह थे वो अंग्रेजी साहित्य के हिंदी और रुचि लेते थे रस लेते थे तो एक तरह से पहली साहित्यिक पाठशाला वो थी और आगे चल कर कर के वहीं प्रगतिशील लेखक संघ Uh, की एक शाखा भी खुली अमृत राय वहां नियमित रूप से आते थे मैं थोड़ा सा इसमें उसका नाम शायद अलग था उस प्रगर्शी संघ का बनारस प्रगर्शी ले काशी प्रगर्शी काशी प्रगति काशी ले तो ये नामांतरण का कारण क्या था वो नामांतरण का कारण यह था कि आ, उस जिस दौर में कायम हुआ तो उसकी शाखाओं में मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसके अध्यक्ष नंद दुलारी वाजपेयी थे और शायद वो बीच में बिखर गया था या ढीला पड़ गया था क्योंकि ये घटना है सन इकतालीस बयालीस के बाद की स्थापित हुआ हो तैंतालीस चौवालीस के आसपास तो मूल शाखा से सम्मत था कि नहीं किस नियम के अनुसार लेकिन उसका नाम काशीपुर ऋषि लेखक था और उसकी गोष्ठियाँ होती थी क्या मार्खंडे सिंह उसके सचिव थे आ, नहीं उपाध्यक्ष थे उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री कृष्णलाल खाली आप उसमें आते जाते थे उसमें दो आदमी उपाध्यक्ष थे डॉक्टर श्री कृष्णलाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो लेखेल थे जी और वाजपेयी जी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे और मार्खंडे सिंह जी दूसरे दो आदमी उसके दो उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष थे जिसका नाम मैंने लिया वाजपेयी जी है देखते हैं नंदुलारे जी नंदुलारे वाजपेयी और सचिव थे अमृत राय छोटी सी बात और चाहूंगा जल्दी में उसको न्यू टाइम लोग वाजपेयी जी का संबंध पीडब्ल्यूए एजेंसी से ही हम सो क्या किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रहा है क्योंकि तो वो उसी का है उसकी एक शाखा थी निश्चित रूप से उस दौर में वाजपेयी जी इलाहाबाद से आए थे और बाद वाले ननंद वाजपेयी उस समय के नरेंद्र वाजपेयी में बहुत अंतर है क्योंकि आमतौर से आ, जो जितने लोग थे वो प्रगतिशील विचारों के समाजवादी विचारों के या मार्क्सवादी विचारों के जुड़े हुए लोग थे ज़्यादातर वही लोग थे प्रगतिशील लेखक संघ में तो काशी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ करके उसका नमूना मैं एक उदाहरण दे घटना का जी जयशंकर प्रसाद की जयंती हमारे कॉलेज में मनाई जाती थी और वाजपेयी जी को बुलाया गया था अध्यक्ष भाषण देने के लिए यह घटना होगी सन तैतालीस चौवालिस के आसपास चौवालीस की वाजपेयी जी ने उसी में कामायनी को मध्यवर्ग का महाकाव्य कहा था और हमारे प्रिंसिपल जे पी सिंह बर्दाश्त ही नहीं करते <laughs> और बोले कि इस तरह की चीजें बहुत दूषित और संकीर्ण दृष्टि की सूचक हैं वो चूंकि प्रिंसिपल थे तो उनको तो अध्यक्षता करनी है अध्यक्ष वाले होने को था वाजपेयी जी ने पूरा भाषण मनु को मध्यवर्ग का कहा था और शायद ये घटना पैंतालीस पह, की है क्योंकि हंस में मुक्तबोध का लेख छप चुका था और मुक्तबोध की वही लाइन थी जी। जो नंदवाल वाजपेयी ने ली थी तो इसलिए चूंकि काशी से हंस निकल रहा था शिवदान सिंह चौहान वहां रह चुके थे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना काशी में जो स्थापित हुआ तो शिवदान सिंह चौहान थे तब वाजपेयी जी नहीं थे अध्यक्ष उसके स्थापना के समय हाँ क्या ये शिवदान जी ने स्थापित किया था प्रगतिशील निश्चित रूप से सन इकतालीस से क्योंकि इकतालीस में तो चौहान जी थे वहां जी और चौहान जी के ए, मेरे के दर्शन मैंने उन्नीस में ससौली इलाज में सागर से उनको बुला के लाए थे और शेरवानी पहनते थे और चौड़ी भौड़ी का पैजामा सिगरेट बहुत पीते थे तो उसमें उन्होंने अपना एक रेडियो नाटक सुनाया था उसी में शमशेर ने कविता पढ़ी थी लेकर सीधा, नारा, और लेकर जी, लेकर सीधा ना, नारा लेकर सीधा नारा कौन पुकारा उसमें त्रिलोचन जी भी थे और उन्होंने चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती वो कविता वहाँ सुनाई थी जो बाद में धरती में छपी है तो बड़ा जागरूक, जागरूक संगठन था प्रगति लेखक संघ शिवदान सिंह चौहान के कारण और उस समय के हंस के अंक आप देखें तो कवितांक एक निकला था हंस का 1941 के या बयालीस के आसपास का वो अद्भुत अंक कवितांक था बाद में जेल चले गए तैंतालीस जी तो एक पाठशाला हम लोगों की काशी में आपको याद होगा प्रगति लेखक संघ इसके इसकी एक छोटी शाखा जिसको कहें आ, युवा संगठन वो युवक साहित्यिक संघ था ठाकुर प्रसाद सिंह प्रगति लेखक संघ में भी आते थे लेकिन सरगंगी में एक छोटा सा युवक साहित्यिक संघ माने युवक प्रगतिशील लेखक संघ वो काफी दिन तक चलता रहा और बहुत दिनों तक चलता रहा बाद आज में जब, भी चल रहा है आज भी चलता है तो ठाकुर जब चले गए चल थे झारखंड में तो हम ही लोगों पर डाल दिया था उन्होंने विष्णुचंद शर्मा भी, भी उसमें आ गए थे तो एक दूसरी संस्था वो थी एक संस्था और थी प्रसाद परिषद उस प्रसाद परिषद में सन छत्तीस में जवाहरलाल नेहरू का उस परिषद ने स्वागत किया था वो फोटो छपा हुआ है प्रेमचंद भी अच्छा, है अच्छा वो जिसमें प्रेमचंद और शुक्ल जी शुक्ल जी सब शुक्ल जी हैं तो प्रसाद परिषद नाम की वो संस्था थी जय शंकर प्रसाद की मृत्यु के ठीक बाद कायम हुई थी ये सैंतीस की घटना है गौड़ जी चला रहे थे तो वो आमतौर से हम लोग उसको जलपान गोष्ठी <laughs> कहते थे क्योंकि बहुत दिव्य जलपान होता था उसमें और उसमें प्रवेश बहुत कठिन हुआ करता था किसी के घर पर ही होती थी अलग सार्वजनिक जगह पर <coughs> थोड़ी सी शायद बाद में नहीं निकली चली बहुत दिनों तक नहीं अब तो बंद हो गई होगी लेकिन गौर जी के साथ ही हो।, हो गौड़ जी के साथ ही गौड़ जी के कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बैठा बनारसी जी अब बनारस प्रसंग तो बहुत लंबा चलेगा मैं हिंदू विजार पर हम बाद में आएंगे लेकिन एक छोटी सी बात जोड़ के फिर उस उसका उस पर आपकी बात जान के आगे हम चाहेंगे आपने अभी तो तेरे पहले बात हो रही थी तो काशी विद्यापीठ का उल्लेख आया काशी विद्यापीठ में भी आपका आना जाना था और वहाँ समाजवादियों का गढ़ था उनके सिंप से भी एक तरह का संबंध होगा बनता था बिजन शाही थे वहाँ अनेक लोग थे आ, क्या कभी उस दल से कोई नई कट्टे आपका किसी बात बात यह है कि 1950 में जब हमारे गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी जुलाई 1950 में आए प्रोफेसर होकर के <laughs> तो उनके संबंध आचार्य नरेंद्र देव जी से और बैजनाथ बैजनाथ सिंह विनोद के थ्रू तो थे ही आ, तो वहाँ समाजवादियों की एक सभा हुई बनियाबाग में बहुत बड़ी और उसी अवसर पर संकल्प लिया आचार्य जी ने कहा कि अब एक नव संस्कृति संघ की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ खत्म हो चुका था ये जो सन सैंतालीस अड़तालीस की जो बीटी रणदीवे लाइन थी तो उसके कारण उस समय अंडरग्राउंड हो गया इसके बाद टूट गया तो वो जो एक शून्य था बनारस में ख़त्म हो गया प्रगति लेखक संघ तो जब खत्म हो गया तो ये हुआ कि एक नव संस्कृति संघ जो समाजवादी विचारों के लोग हैं उनको कायम किया जाए तो नव संस्कृति संघ जब कायम हुआ तो उसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था उसके अंतिम दिन जब खत्म हो गया तो उसी मंच पर बाग में आ, और द्विवेदी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए राम विनपुरी आए थे गंगा शरण सिंह थे और वो एक घटना जब आपने कही तो मुझे याद आ गई डीपी मुखर्जी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था लखनऊ से वो लखनऊ में थे सोशियोलॉजी में तो प्रोफेसर नहीं हुए थे, थे वो रीडर स्केल में थे तो मुझे मेरे जिम में सौंपा गया कि लखनऊ मेल आती है शाम को पाँच बजे करीब तुम जा करके उनको ले आओ और ले आकर के उन्होंने कहा कि उनके इकनॉमिक्स के प्रोफेसर बंगाली थे आ, अम्लान दत्त तो नहीं अभी उनका नाम याद आ जाएगा तो वो बी एच यू में उनका बंगला था तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे अभी नाम उनका भूल ना हो इकनॉमिक्स में प्रोफेसर थे तो ध्रजटी वो प्रसाद मुखर्जी को मैं लेके वहाँ गया कैंपस में बल्कि गाड़ी कार उन्हीं की थी उन्होंने उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद नवसंसदीय संघ संघ स्थापित हो गया स्थापित होने के बाद उसके अध्यक्ष पंडित जी थे मैं उसका सचिव बना उसकी बैठकें काशी विद्यापीठ में होती थी तब तक विजय देवनारायण शाही भी वहाँ आ गए थे शम्भुनाथ सिंह भी वहाँ थे और जनवाणी नाम की पत्रिका आचार्य जी ने आचार्य नरेंद्र देव की दिलचस्पी पहल थी तो गढ़ था विद्यापीठ प्रगतिशील लेखक संघ के न रहने पर नव संस्कृति संघ नाम की संस्था जो मोटे तौर से कुछ समाजवादी विचारों की पत्रिका थी तो मैगजीन भी उसके पास थी उसकी गोष्ठियां होती थी बहसें होती थी और उसमें हम लोग भाग लेते थे और मेरा ख्याल है आप भी उसमें आए होंगे आपने कविता पर जरूर पढ़ी होगी आया था कभी लेकिन मैं उसका सर से कभी नहीं था क्योंकि मैं था उस समय भी शुरू शुरू कर रहा था। वो छोटी कक्षा में थी लेकिन तब वो नव संस्कृत कई वर्ष तक चला और मैंने मेरे कई कई गाँवाव कैसे हुआ ये जानना चाहूंगा उसके बाद हम लोग अब...

विद्यापीठ के बाद वो गए इलाहाबाद में तब परिमल में सक्रिय हुए और परिमल का तो मजाक उड़ाते थे शाही शुरू में अच्छा ये। आ, शाही ये। परिमल के लोगों का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके विचार जो थे ये, वो समाजवादी नामवर जी के प्रसंग में बात होगी तो बनारस बार बार लौटेगा ही लेकिन जैसा कि केदार जी ने अभी संकेत किया हम थोड़ी देर के लिए कुछ और बात करने का प्रयत्न करें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कृतज्ञता के साथ स्मरण नामवर्जी के काम का नामवर्जी की उपलब्धियों का क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ मैं कि नामवर्जी केवल साहित्यिक आलोचक नहीं और केवल पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी नहीं बल्कि एक बहुत गहरे में आ, समाज और संस्कृति के बारे में बहुत हस्तक्षेप मूलक ढंग से सोचने वाले व्यक्ति अपने लेखन के पहले दिन से रहे हैं और इसलिए समूचे हिंदी समाज के सोच विचार में और हिंदी समाज की गतिविधियों में नामवर जी की मौजूदगी तो रहती ही है उनके कामों के प्रति उनकी बातों के प्रति एक उत्सुकता भी रहती है विवाद मूलकता अंग्रेजी मुहावरे का सहारा लेके कहें तो नामवर जी का दूसरा नाम है एक पुस्त एक संकलन का नाम ही है वाद विवाद संवाद और आज हमारे बीच वरिष्ठ आलोचक निर्मला जी मौजूद हैं नामवर जी आलोचना को एफ लेविस को याद करते हुए कॉमन परस्यूट कहते रहे हैं और उस कॉमन परस्यूट के ये दो संवादी और यदाकदा विवादी भी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले तो निर्मला जी नामवर जी के आलोचना कर्म पर एक और उसके महत्व तो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें और उसके बाद नामवर जी को एक बार फिर से प्रवोक करें आलोचना के प्रसंग में कुछ कहने के लिए नहीं टिप्पणी करने से पहले आ... मैं नामवर जी से एक सवाल करना चाहूँगी लौटती हूँ चालीस साल पहले नामवर जी जब दिल्ली में आए तो उनके साथ छायावाद पुस्तक के लेखक के रूप में और कहानी वाली पुस्तक के लेखक के रूप में उनकी ख्याति आई बहुत अच्छे वक्ता थे इस संबंध में मुझे एक संस्मरण छोटा सा याद है पंत जी का लोकायतन प्रकाशित हुआ था और उस पर एक गोष्ठी चैम्सफोर्ड क्लब में अगर मुझे सही याद है तो आयोजित की गई नामवर्जी उन दिनों में दिल्ली आए नहीं थे दिल्ली में चकफेरी लगाया करते थे आते थे आते, जाते रहते, रहते आते थे। जाते रहते थे और प्रायः देवी शंकर अवस्थी के यहाँ ठहरते थे हम लोग मिलने जुलने उधर ही मॉडल टाउन उनका इलाका था तो आधिकारिक रूप से बोलने वाले तो दूसरे लोग थे ये याद नहीं कि नामवर जी किसके साथ आए लेकिन टहलते हुए बड़े जिसको कैजुअल ढंग से कहते हैं नामवर जी आए उस गोष्ठी में शामिल हुए अधिकारी लोग जो समझे जाते थे दिल्ली के वो सब बोल चुके और पंत जी की कुछ लिहाज करते हुए जाहिर है उस पुस्तक का बहुत स्वागत तो हुआ नहीं था लेकिन सब ने अपना अपना बचाव करते हुए अपने भाषण दिया नामवर जी से आखिर में कहा गया बोलने के लिए बहुत संक्षेप में नामवर जी ने जो उनकी शैली है बड़े सार गर्भित ढंग से एक बड़ी मारक टिप्पणी की मेरा ख्याल है पाँच मिनट में नहीं बोले होंगे और बैठ गए मेरे मन पर उस टिप्पणी का बहुत प्रभाव पड़ा और मुझे लगा कि इतनी बेबाकी इतनी ईमानदारी और बिना किसी खौफ के उन दिनों में ये याद रखने की ज़रूरत है कि नामवर जी के पास नौकरी नहीं थी खाली थी जी। उसके बाद नामवर जी आ गए और जनयुग में और फिर जनयुग के बाद राजकमल में एक सवाल जो मुझे लगातार परेशान करता है वो ये कि जिसको नामवर जी ने खुद वाद विवाद संवाद की भूमिका में कहा है कि व्यवस्थित चिंतन ये व्यवस्थित चिंतन दूसरी परंपरा की खोज तक लेखन के रूप में दिखाई पड़ता है उसके भी भी। बाद लगातार जो तीन संग्रह आए हैं वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से और कहना न होगा इस तरह के चिंतन को इस तरह के लेखन को उन्होंने खुद अवसर से उद्भूत लुकाच का हवाला देते हुए शायद वाद विवाद संवाद की भूमिका में खुद कहा है कि ये अवसर से उद्भूत चिंतन है जो कभी कभी व्यवस्थित चिंतन पर भले ही भारी पड़े लेकिन वो व्यवस्थित चिंतन नहीं मुझे सवाल परेशान करता है कि क्या दिल्ली में आने के बाद दिल्ली के माहौल में या साहित्यिक माहौल में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसमें नामवर जी को ये चुनौती नहीं दिखाई पड़ी कि उस ढंग से व्यवस्थित फोकस्ड पुस्तक की रचना करें गो के अगर आप उस युग पर ध्यान दें तो भारत भर से साहित्यकार आकर के सब दिल्ली में धीरे धीरे केंद्रित होते चले जा रहे थे मॉडल टाउन तो लगभग एक अड्डा जैसा हो गया था और जो लोग इधर उधर बसे थे वो भी लगातार आते थे वो के वैसी सक्रियता साहित्यिक सक्रियता जैसी का जिक्र अभी बनारस के संदर्भ में किया नामवर जी ने वो सक्रियता तो नहीं थी लेकिन अपने ढंग से घरों में और हम लोग तो नियमित रूप से कवि अजित कुमार के घर में बैठते थे लगभग रोज शाम को नहीं तो हफ्ते में तीन बार चार बार और बड़ी आ, उत्तेजक बहसें वहाँ होती थी खूब वाद विवाद होता था क्या हुआ दिल्ली में आने के बाद या मैं कहूँ कि ये विश्वविद्यालयों के चक्कर में उनकी गिरफ्त में फंसने के बाद क्या ऐसा हुआ कि नामवर जी को तब से ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यवस्थित किसी एक विषय पर फोकस्ड किताब की रचना की जाए आ, बहुत धन्यवाद पहली टिप्पणी कर दूँ कि जब हम कल में राजकमल की ओर से पंत जी के कि उस महान कृति जो जी। है टिप्पणी तो मैंने ये की थी कि ये महाकाव्य नहीं लोग सब महाकाव्य महाकाव्य कर रहे थे हाँ, हाँ, तो ये महाकाव्य नहीं ये पद्यबद्ध उपन्यास है <laughs> और आश्चर्य मुझे हुआ कि पंत जी मौजूद थे उन्होंने कहा अरे कैसे मेरे मन की बात जान ली ये तो उपन्यास ही मैं कहना चाहता था जी ने उसको समझा अपने सम्झा सम्झा के 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 ले <laughs> ले मैंने उसको पद्यात्मक उपन्यास कहा था कि महाकाव्य नहीं है पद्यात्मक उपन्यास एक बात तो ये होगी दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि जम करके कि कुछ फुटकर ये चीजें लिखी आपसे लेने नहीं लेना चाहती मॉडल टाउन में मैं रहता था अजित कुमार का घर उसका अड्डा हुआ करता था आ, खास तौर से जब देवी शंकर नहीं रहे और में आ, लेकिन अड्डा अजित कुमार ही के जमता, जमता था देवी शंकर जी के यहाँ अड्डा नहीं जमता नहीं, नहीं, नहीं। देवी शंकर और, बचते थे देवीशंकर हाँ, बाद में बचने लेकिन, अर्ड़े लेकिन अर्ड़े मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ सफेद से <laughs> माल रोड पर इनका घर दुस... उसके बाद अड्डा वहां बना और भारत जी वहीं आते थे भारत जी मॉडल टाउन नहीं आते थे हाँ, भारत जी नहीं आते थे मॉडल आपके घर जी, हाँ, जी तो जी आप ही के घर आते थे और इसलिए एक अड्डा इनका घर भी हुआ करता था तब नगेंद्र जी से दुश्मनी हमारी नहीं हुई थी <laughs> <laughs> वो बाद की घटना है उस समय तक आ, इनके निर्मला जी का घर का अड्डा था तमाम चीज़ें हुआ करती थी वो मर्डर टाउन और एक दूसरा अड्डा ये था आ, अशोक वाजपेयी उन दिनों सेंट स्टीफेंस में पढ़ते थे तो अक्सर देवी शंकर जी के घर पर आते थे अजीत कुमार के यहाँ भी आते थे मेरे घर नहीं आते नहीं नहीं आपके घर तो प्रतिमान तब तक नहीं आया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बता नहीं। रहा हूँ तो आज जो बात कर रहे हैं निर्मला जी ने चुनौती दी और भारत जी ने सुर में सुर मिलाया उन्होंने कहा कि तब तक मैं नई कहानी वाली चीज़ पूरी कर चुका था आलोचना का संपादन 67 में शुरू किया और यानी विधिवत कायदे से क्योंकि स्थिति राजकमल का तो मैं एडवाइजर होकर के आया था तो लगभग वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो दो साल का था वो ख़त्म हो गया जनयुग से मैं यहाँ आया था आया तो था जनयुग का संपादन करने के लिए बीच में राजकमल से ओम प्रकाश जब चले गए शीला जी के हाथ में आए तब तो उन्होंने पार्टी के जरिए कहलाया कि भाई हमको एक चाहिए हमको तो कोई जानता नहीं है हिंदी की दुनिया में हमारी विश्वसनीयता नहीं है तो कोई आदमी दीजिए तो मैं राजकमल गया पैंसठ की बात है राज की। और पैंसठ से सरसठ तक मैंने सलाहकार वाला काम किया उनके यहाँ आलोचना चौहान जी निकाल रहे थे और उनके साथ आ, करार था कि चार अंक उत्तर हिंदी साहित्य के चार अंक निकालेंगे वो चार खत्म हो गए